नमस्कार दोस्तों, नोटी भाई चैनल पर आपका स्वागत है। और भाई बिग बॉस में इतना कुछ चल रहा है कि आपको क्या ही बताओ। कभी कभी ऐसा लगता है कि WWE ही देख रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि इन तीनों की घमासान लड़ाई चल रही थी और जितनी देर इनका युद्ध चलेगा उतनी देर घर वालों को चोट पहुंचेगी। तो आखिरकार सलमान भाई ने अपने दिमाग की विद्युत तार छेड़ते हुए गुटर बजा दिए और इनकी मच्छी बाजार थम जाती है। अब दोस्तों सलमान को याद आता है कि हमने कहा था कि जनता ही बॉस है, तो फिर फैसला जनता ने दिए गए वोटों से किया गया। और क्या, वोट के मामले में फुकरा भाई ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाया है। तो फिर फुकरा इंसान और जिया शंकर वो फिर से घर में सेंड किया जाता है और आकांक्षा को एग्जिट का दरवाजा दिखाया जाता है। पर इनके बहस के चक्कर में घर वालों का तगड़ा नुकसान होता है। जैसे अंडे वापस ले जाए गए और बाथरूम को सील कर दिया गया है। सोचो अगर किसी को जंप कर आई तो क्या ही करेगा। वही दोस्तों फलक ने फुकरा को जो पीछे अनाप शनाप बका था अपने भाई ने पूरी भड़ा से निकाल दी। क्योंकि कई दिनों से फलक फुकरा इंसान को सुनाई जा रही थी, पर फुकरा इंसान ने पूरा मटका भरने दिया और फलक को सबके सामने आरसट्टे में लिया। और जो सुना है ना, आप इस क्लिप में देख सकते हैं। आप मेरी बात सुनिए, वो आपको इतना समझाती है, हम गधे नहीं है, हम भी देखते हैं, वो इतना समझाते हैं, आप उनसे भी इज्जत से बात कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उनको थैंक यू बोला करो, पूरे घर को टारगेट मत करो कि कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। क्या आपने कभी आके किसी को इंडिविजुअली सॉरी बोला है? आपके पास राइट नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल दोगे। तो उस चीज को भी समझिए, कोई यहाँ पर आपको टारगेट नहीं कर रहा। हर इंसान का दिल है, हर इंसान को बुरा लगता है। आपने आज तक आपको लगता है आप ऑनेस्ट हो, पर आप सिर्फ अपनी नजरों में ऑनेस्ट हो, किसी और की नजर में ऑनेस्ट नहीं हो। जितना मैं डायरेक्ट बोलती हूँ, अगर आज आपको डायरेक्ट बोलने का भी एक तरीका होता है, लहजा होता है। तो आई होप यू डॉग को पसंद आ गई है। आपको इस पर क्या लगता है हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, चलता हूँ, धन्यवाद।